विशेष और स्वागत है आपका खास प्रोग्राम आमने सामने में। आज का मुद्दा है यहाँ पर केशव प्रसाद मौर्य। कहा जा रहा है कि केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक, इन तमाम नेताओं को कहीं ना कहीं योगी सरकार आगे कर सकते हैं। लेकिन इस बीच यहाँ पर बड़ा कयास ये भी लगता नजर आया है कि सीएम योगी अपना ही सीएम पद कहीं केशव प्रसाद मौर्य को ना सौंप दे, क्योंकि आने वाले 2024 के चुनावों में जिस तरीके से लगातार परेशानियां खड़ी हो रही है पीएम मोदी के सामने, तो कहीं ना कहीं उनको किसी और को अपना पद देना पड़े, यानी कि रिसाइकलिंग और साइकिलिंग दोनों चीज यहाँ पर चलती हुई नजर आ रही है। तो ये मुद्दा काफी ज्यादा अजीब जरूर है कि केशव प्रसाद मौर्य को जिम्मेदारी दी जाए। बार बार कहा जाता है कि केशव प्रसाद मौर्य को ही सीएम बनना था, लेकिन उनका सीएम बनने का सपना पूरा नहीं हुआ और डिप्टी सीएम बनकर रह गए। दूसरी तरफ अखिलेश यादव को लेकर तमाम खबरें आती है जो हम लगातार आपके साथ साझा करते रहते हैं। तो देखा जाए तो केशव प्रसाद मौर्य अपनी जिम्मेदारी बखूबी तरीके से निभाते हुए नजर आते हैं। सिर्फ और सिर्फ कयास पर यह कार्यक्रम है तो आपसे भी तमाम तरीके के सवाल लेंगे और ये जानेंगे कि आप लोग क्या चाहते हैं। अगर यहाँ पर सीएम योगी अपना सीएम पद छोड़कर यहाँ पर केशव प्रसाद मौर्य के नाम कर देते हैं तो क्या सच में माना जाए कि वो अपनी जिम्मेदारी बहुत अच्छे तरीके से निभाते नजर आएंगे, यही सवाल बने हुए हैं। तो अबरार मेरे साथ हैं, उनसे केशव प्रसाद मौर्य और यहाँ पर योगी आदित्यनाथ को लेकर जानकारी लेंगे। अब ये कहा जा रहा है कि सीएम योगी शायद केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक को आगे बढ़ाना चाहते हैं, आगे जिम्मेदारियाँ देना चाहते हैं। अब कुछ लोगों का ये कहना है कि यहाँ पर सीएम योगी को पीएम बन जाना चाहिए और यहाँ पर केशव मौर्य को यहाँ पर सीएम पद दे देना चाहिए, तो उसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, केशव प्रसाद मौर्य को लेकर के जिस तरीके से बीते विधानसभा चुनाव की बात करें, जब सीएम योगी आदित्यनाथ को रातों रात जो है मुख्यमंत्री का चेहरा बनाया गया था, दरअसल अगर उस पूरे चुनाव के बारे में बात करें तो केशव प्रसाद मौर्य लगभग आप कह सकते हैं कि सीएम के चेहरे के तौर पर प्रोजेक्ट किए जा चुके थे। बीजेपी लगातार इस तरीके के संकेत दे भी रही थी, लेकिन उसके बाद कहीं ना कहीं बीजेपी केंद्र की सियासत और दूरदर्शी आप कह सकते हैं कि राजनीति को देखते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ को आगे कर देती है। लेकिन अभी की अगर बात की जाए तो फिर से एक बार जिस तरीके से केशव प्रसाद मौर्य ने इस पूरे मुद्दे को लेकर के अपने बयान को देने शुरू कर दिए, तो ये बीजेपी के लिए एक बड़ी मुश्किल जो है स्थिति पैदा कर सकती है। हालांकि इस बड़े मुद्दे को लेकर के बीजेपी हाईकमान ने कोई बयान जारी नहीं किया, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि बीजेपी क्या वाकई इस बार ओबीसी वोट बैंक को खोना चाहती है, क्योंकि केशव प्रसाद मौर्य के पास एक बड़ा वोट बैंक है। और जाहिर सी बात है कि इस वक्त विपक्ष जिस तरीके से और जिन मुद्दों को लेकर के लगातार भारतीय जनता पार्टी की यूपी की सरकार पर आरोप लगा रहे हैं कि ठाकुरवाद की राजनीति जो है इस वक्त बीजेपी कर रही है उत्तर प्रदेश में, सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार कई अलग वर्गों को जो है कहीं ना कहीं नज़रअंदाज कर रहे हैं, तो ये कई ऐसी बड़ी चीज़ें जिसको लेकर वो पूरी तरीके से घिरते नजर आ रहे हैं। लेकिन अगर यहाँ पर देखा जाए तो केशव प्रसाद मौर्य इसलिए भी सुर्खियों में है, आपने कहा कि यहाँ पर सीएम बन सकते थे वो, लेकिन रातों रात यहाँ पर योगी आदित्यनाथ को बना दिया गया। लेकिन अगर सीएम पद की बात हो रही तो शायद यहाँ पर वरुण गांधी भी उस लाइन में लगे हुए थे और वरुण गांधी को लेकर तो पोस्टर्स भी लग गए थे, तो यहाँ पर सीएम बनने की जो लगातार एक के बाद एक नेता अपनी हामी भरते हुए नजर आ रहे थे, लेकिन बने यहाँ पर सीएम योगी, तो क्या कहा जाए कि पार्टी बीजेपी पार्टी में भी कहीं ना कहीं लोकसभा चुनावों से पहले कोई बगावत तो नहीं देखने को मिलेगी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी इस वक्त मजबूत स्थिति में और केंद्र की सियासत में जिस तरीके से तमाम नेताओं से लेकर के जो छोटे स्तर के तमाम नेता वो कहीं ना कहीं पार्टी से एक बड़ी निष्ठा के साथ जुड़े हुए हैं। दरअसल भारतीय जनता पार्टी एक उगता हुआ सूरज है और लगातार कई पार्टियों के अलग अलग नेता इस पार्टी का हिस्सा बन रहे हैं। खुद कांग्रेस पार्टी में जिस तरीके से बीते 6-7 सालों में कई बड़े वरिष्ठ नेता जो है पार्टी से अलग होकर के बीजेपी के साथ चले गए और बीजेपी उनको जिस तरीके से सम्मान दे रही है, मान दे रही है, तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं और नेताओं को जो है लुभाती है। तो इस वक्त अगर बीजेपी में बगावत की बात की जाए तो ये बिल्कुल पूरी तरीके से नहीं समझ में आता, असंभव सा लगता है। हालांकि इस तरीके की चीज़ें होती है जो है, जिस तरीके से स्वामी प्रसाद मौर्य ने पार्टी छोड़ी, उसके बाद अगर ओपी राजभर की बात करें तो एनडीए को छोड़ा उन्होंने, तो इस तरीके की घटना ज़रूर हुई है। लेकिन अगर बड़े नेताओं की बात करें, उन्होंने इस बीच पार्टी को नहीं छोड़ा है, लेकिन देखते हैं कि उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव की रणनीति किस हद तक काम कर पाती है और क्या सीएम योगी आदित्यनाथ की इस मजबूत सरकार को उत्तर प्रदेश की सियासत में अखिलेश यादव कोई बड़ी चुनौती जो है पेश कर। अखिलेश यादव की रणनीति को लेकर बात किए तो यहाँ पर अब देखा जाए तो शिवपाल सिंह यादव को महासचिव भी बना दिया गया, उन्हें विधानसभा में बागी की सीट देने की बात की जा रही है कि वो आजम की सीट है, तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो आजम की सीट को लेकर शिवपाल भी काफी कुछ कहते नजर आए, तो क्या माना जाए कि आजम को वो इम्पोर्टेंस नहीं मिल रही जो शिवपाल को मिल रही, क्योंकि योगी आदित्यनाथ का निशाना बन चुके हैं यहाँ पर आजम खान? देखिए, आजम खान को लेकर के ये बातें शुरू से ही की जा रही
रही है कि राजनीतिक द्वेष के कारण सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार उन पर जो है मुकदमों का बोझ डाल रहे हैं। एक के बाद एक आप कह सकते हैं कि बड़ी चीज़ें देखने को मिल रही है। और इस समय जौहर यूनिवर्सिटी को लेकर के जिस तरीके से लगातार यूपी का प्रशासन सख्त रवैया अपनाए हुआ है, ये सारी चीज़ें बतलाती है कि यूपी में योगी आदित्यनाथ की सरकार जब से आई है तब से आज़म खान परिवार पर लगातार जो है कई मुकदमे दर्ज किए गए और जिन तरीक़ों के मुकदमे हैं वो आप सुन करके हंस पड़ेंगे। दरअसल बकरी चोरी, किताब चोरी, ऐसे कई बड़े जो है छोटे छोटे मामले हैं जिन पर उनको जो है तरह तरह से जो है इज्जतें दी जा रही है, लगातार परेशान किया जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें बतलाती है कि राजनीतिक द्वेष कहीं ना कहीं इस पूरे मुद्दे पर मुद्दे में नज़र आता है। और ख़ुद आज़म खान जब पेरोल पर बाहर आए थे तो उन्होंने अपने घर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस पूरे मुद्दे पर जो है विस्तार से बात की थी और उनके ज़बान पर लगातार जो है सरकार का जो दोहरा रवैया है वो लगा जो है नज़र आ रहा था। और कहीं ना कहीं वो जो है एक तरीके से आप कह सकते हैं कि अखिलेश यादव को भी आड़े हाथों लेते नजर आए। हाँ, लेकिन यहाँ पर अगर देखा जाए तो अब ये कहा जा रहा है कि पीएम मोदी नहीं बने तो यहाँ पर सीएम योगी को भी जिम्मेदारी दी जा सकती है आने वाले समय में। अब यहाँ पर लगातार अडानी का मामला हम देख रहे हैं कि किस तरीके से तुल पकड़ता जा रहा है, पीएम मोदी से लगातार सवाल हो रहे हैं, जवाब वो दे नहीं रहे। तो यहाँ पर अगर कयास जिस तरीके से तमाम लगते हैं और ऐसे ही कयास लगाया जाए कि सीएम योगी को अगर पीएम की जिम्मेदारी दे दी जाती है तो फिर आपको क्या लगता है कि सीएम पद फिर कौन संभालता नजर आएगा, बृजेश पाठक या फिर केशव प्रसाद मौर्य? देखिए, अभी जिस तरीके से इस वक्त जो है उत्तर प्रदेश में बीजेपी बेहतर स्थिति में नज़र आ रही है और जाहिर सी बात है कि उसमें कहीं ना कहीं सीएम योगी आदित्यनाथ का जो एक योगदान ज़रूर है। प्रदेश में कई व्यवस्थाओं को लेकर के उन्हें बड़े कड़े फैसले सुनाए हैं और जाहिर सी बात है कि जनता उनसे खुश है। बीजेपी के समर्थन में लगातार जनता नज़र आ रही है उत्तर प्रदेश में। कई आप कह सकते हैं जी किसी भी तरीके से मुद्दों को गुमराह करके या फिर किसी भी तरीके से कहीं ना कहीं बीजेपी अपने पक्ष में एक माहौल बनाने में सफल रही है। तो एक आखिरी सवाल और रहेगा यहाँ पर, अगर देखा जाए टोटल मिला के उत्तर प्रदेश की सियासत को तो आपको क्या लगता है कि यहाँ पर अगर केशव प्रसाद मौर्य को आगे आने वाले 2024 के समय पर जो जब लोकसभा चुनाव होंगे तो आपको लगता है कि उन्हें और भी बड़ी जिम्मेदारियाँ दी जाएगी? अगर दी जाती है तो शायद बेहतर होगा, नहीं दी जाती तो कहीं ना कहीं अखिलेश यादव यहाँ पर सोच के बैठे कि केशव उनका साथ देंगे। देखिए, इस समय अखिलेश यादव जिस तरीके से केशव प्रसाद मौर्य को लेकर लगातार राजनीतिक रूप से दबाव बनाने का प्रयास कर रहे हैं तो ये सारी चीज़ें बतलाती है कि कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में एक बड़ा बदलाव होने वाला है। और जाहिर सी बात है कि इस समय जिस तरीके से इस बड़े मुद्दे को लेकर राजनीति देखने को मिल रही है वो सीधे तौर पर यहाँ पर कई बातों को और इशारा कर रही है। तो देखते हैं कि उत्तर प्रदेश में राजनीतिक रूप से क्या बदलाव होगा। जी शुक्रिया अब्रार। अब कहीं ना कहीं इस पूरे ही कार्यक्रम में इस बात को समझने की कोशिश की कि अगर केशव प्रसाद मौर्य को जिम्मेदारियां दी जाती है तो कौन सी दी जाएगी, यहाँ पर कौन सीएम कौन पीएम बनेगा, यही सवाल बने हुए हैं। लेकिन अब आपकी क्या राय है यहाँ पर कि क्या केशव प्रसाद मौर्य डिप्टी सीएम के अलावा कोई और जिम्मेदारी भी कहीं ना कहीं डिजर्व करते हैं और क्या अखिलेश इसका फ़ायदा उठाएंगे? तो इस पर राय ज़रूर दीजिएगा और बाकी ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट9 न्यूज़।